आप लोग इस बात को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि एक शराबी की शराब छुड़वाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, और कुछ लोगों का तो चाहे कुछ भी कर लो, उनको अगर पीनी है तो वो पिएंगे ही। तो ऐसे ही दो बेवड़े दोस्तों की कहानी आपको सुनाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। एक बार दो बेवड़े दोस्तों ने कसम खाई कि वो दोनों कभी भी दारू नहीं पिएंगे। फिर थोड़ी देर बाद उनका बहुत ज्यादा मन किया दारू पीने का। फिर दोनों दोस्तों का बुरा हाल होने लगा दारू बिना पिए। फिर पहले दोस्त ने कहा कि हमने दारू पीने की कसम खाई है मेरे दोस्त, ठेके पर जाने की थोड़ी ना। फिर दोनों चल दिए ठेके की तरफ, और वहां पर पहुंचते ही उन्होंने एक दूसरे से कहा कि दारू पीने की कसम खाई है, खरीदने की थोड़ी ना। फिर वो दोनों दारू को खरीद कर घर ले आते हैं और एक दूसरे की ओर बड़ी मायूसी के साथ देखते हैं, और फिर बोलते हैं कि यार हमने दारू पीने की कसम खाई है, ग्लास में डालने की थोड़ी ना। फिर दोनों ग्लास में दारू को डालकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं यार हम दोनों ने दारू पीने की कसम खाई है, पिलाने की थोड़ी ना। फिर वो दोनों एक दूसरे को दारू पिला देते हैं। तो आप कमेंट्स करके बताइए, क्या आपके जान पहचान में भी कोई ऐसा है जो इन दोनों बेवड़ों की तरह हो।